हाय किड्स, हमने हमारे लास्ट पीरियड में जो 8 के शेप से डॉल ड्रॉ की है वो आज हम कलर करने जा रहे हैं। आइए बच्चों। तो बच्चों, स्किन के लिए हम ऑरेंज कलर यूज करने वाले हैं, लाइट ऑरेंज। आप इसकी आउटलाइन भी डार्क ले सकते हो। इस टाइप से आप डार्क आउटलाइन ले सकते हो और स्किन में हल्का हल्का सा ऑरेंज कलर करेंगे तो ये स्किन कलर दिखाई देगा। लाइन डार्क कर ली है इसकी भी, नेक्स्ट हैंड की। इसे भी हम उसी तरह से कलर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे हैंड्स और नेक में हमने स्किन कलर कर दिया है और लेग्स में भी थोड़े से लेग्स दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर भी ऑरेंज कलर मतलब स्किन कलर कर दिया है। अब उसके फेस में भी हम लाइट ऑरेंज से स्किन टोन बनाएंगे। फेस को भी हम लाइट ऑरेंज करेंगे मतलब स्किन का टोन हमें दिखाई देगा। तो बच्चों, स्किन कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके हेयर्स करेंगे तो ब्लैक कलर से हेयर्स होंगे। हेयर का कलर भी हो रहा है। इस टाइप से स्टोनिंग में आपको कलर करना है हेयर्स को। इसके आईब्रोज भी हम ब्लैक कलर से करेंगे। और आईबॉल्स भी ब्लैक होंगी। आईज बन गए।
काउंट में हम रेड करेंगे। अब हम इसका फ्रॉक करने जा रहे हैं, वो हम पर्पल से और पिंक से करेंगे। ये हमारा डार्क पिंक एंड पर्पल। इसे हम आउटलाइन डार्क करेंगे हमेशा की तरह। ये हमारा पिंक कलर हो गया है। अब हम पर्पल कलर से उसका नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, उसकी भी हम आउटलाइन कर लेंगे। और लाइट पर्पल सेंटर में देंगे। डार्क लाइन ले लेना सेंटर के लिए जो लाइन्स है। अभी से हम हल्का हल्का पर्पल करेंगे। तो बच्चों हमारा ड्रेस कलर हो गया है, नीचे का पर्पल कलर भी हो गया है। अब हम इसके जो शूज़ है उसे कलर करेंगे मैचिंग वाले पिंक। तो हमारी रोल बहुत अच्छी लगेगी। उसके शूज़ भी कलर हो रहे हैं। अब हम इसे आउटलाइन करने वाले हैं। आउटलाइन के बाद हमारी डॉल बहुत बढ़िया सी दिखेगी। तो अब हम इसे ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करने वाले हैं। सबसे पहले उसके आईज को तो बच्चों ये हमारी सुंदर सी डॉल तैयार। हमने ये 8 के शेप से सुंदर सी डॉल बनाई है। ओके बच्चों, बताया है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सुंदर सी डॉल ड्रॉ करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और हमारे प्लेन नोटबुक में सारे ड्राइंग अच्छे से ड्रॉ करके मुझे सेंड करो। ओके, बाय बाय।